पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है, उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है, कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। कबीर वही है जिसने 6 दिन में सृष्टि से 7वें दिन तकत पर जा बैठा। अब देखो, अब यहां देखो 52-53 नंबर पे, ये नीचे आप देख रहे थे कि ए पैगंबर तू काफिरों का कहां न मानना, और इस कुरान की दलीलों से यानी मैं जो कह रहा हूं इसके ऊपर पूरा विश्वास करके उस कबीर के लिए संघर्ष करो। बस बड़े इन्होंने बड़ा शब्द कर दिया, अर्थ कर दिया कबीर का बड़ा। उन्होंने कहा कि कबीर के लिए जोर शोर से यानी संघर्ष करो, उनके साथ जोर शोर से संघर्ष करो, उनका मुकाबला करो, उनकी बात का मत आना, लड़ना नहीं, ऐसा भगवान आदेश लड़ने का नहीं दे रहे। आगे देखो ये खबीरा 58, खबीरा 59 में खबीरन। अभी कुरान मजीद में आपने देखा था वो ये खबीरा और ये खबीरा, दोनों खबीरा ही लिखे थे, लेकिन ये कबीरा है, कबीर है इनका अर्थ, और इनका अर्थ भी इन्होंने बड़ा ही किया है। और वही है वो कबीर जिसने दो दरियाओं को मिला चलाया, एक मीठा और कड़वा पानी, मीठ प्यास बुझाने वाला कड़वा, और दोनों में एक मजबूत और आड़ बना दी। आगे देखो ए पैगंबर, वो हजरत मोहम्मद का खुदा बोल रहा है, ए हजरत मोहम्मद पैगंबर, हमने तुमको खुशखबरी सुनाने और सिर्फ अजाब से डराने के लिए भेजा है। इन लोगों से कहो कि मैं तुमसे उस अल्लाह के हुक्म की कोई मजदूरी नहीं मांगता, हाँ जो अपने परवरदिगार तक पहुंचने की राह इख्तियार करे कर ले। और ए पैगंबर उस जिंदा पे, जिंदा माने जो तुझे जिंदा रूप में मिला, कबीर साहब एक जिंदा महात्मा का रूप बना के इस प्यारी आत्मा हजरत मोहम्मद से मिले थे, लेकिन अपना सतलोक भी दिखाया था इनको ले जा करके, जबराइल ले गया था उसके बाद की बात है, लेकिन वो तब तक इतने डर चुके थे जबराइल के उस बदतमीजी तय, लेकिन इस प्यारी आत्मा ने सतलोक रहना मंजूर नहीं किया। और फिर कह भी रहा वो साफ, क्योंकि ये अपने कागज पूरे रखा और काम सारे उलट करावे ज्योत निरंजन ये काल भगवान। ए पैगम्बर उस जिंदा, उस ये चैतन्य शब्द गलत कर दिया, उस जिंदा पर, जिंदा महात्मा पर भरोसा रख जो कभी मरने वाला नहीं है, वो अविनाशी है, वो उसका कोई विनाश नहीं कर सकता, और तारीफ के साथ उसकी पाकी बयान करते रहो। वो अपने बंदों के गुनाहों से अपने बंदों के पाप कर्मों को समाप्त कर देता है, वो काफी खबर। यहाँ बड़ा शब्द कर दिया, ये लिखना था वो कबीर परमेश्वर अपने बंदों, ये काफी कर दिया उस बड़े कबीर का अर्थ काफी कर दिया, नहीं वो कबीर परमात्मा अपने बंदों के गुनाहों को समाप्त कर देता है, वो बिल्कुल खत्म कर देता है। और 59 में क्या कहा कि ये वही है जिसने आसमान और जमीन और जो कुछ उनके बीच में सारे ब्रह्मांडों को सबको 6 दिन में पैदा किया, फिर तकत पर जा विराजा जा बैठा, बैठा तो आकार में, और वो अल्लाह कबीर है, अल्लाहु अकबर है, वो अल्लाह कबीर है, बड़ा कर दिया अर्थ इन्होंने, वो अल्लाह कबीर है, वो अल्लाह बड़ा, ओए होए वो अल्लाह कबीर है, वो रहमान है, और उसकी खबर किसी बाखबर यानी किसी तत्वदर्शी संत से इलम वाले से पूछ। देखो अब कुरान शरीफ को बोलने वाला स्पष्ट कह रहा है वो अल्लाह वो खुदा, चाहे वो गुप्त रूप में हजरत मोहम्मद में प्रवेश करके काल बोलता है, वो कहते हैं ना जब वह ऐसी आती थी घंटियाँ सी बजती थी और
वो तो मुझे बहुत दुखी करती थी, परेशान हो जाता था, क्योंकि इनके अंदर जब वो काल प्रवेश करता था तो इतनी पीड़ा होती थी, इनके सारे हाथ अकड़ जाते थे, ऐसे जबान खुल जाती थी, आंखें फटी फटी हो जाती थी, फिर बोलने लगता था। तो वो काल स्वयं भी बोलता आकर के अंदर, और फरिश्तों के द्वारा भी भेज देता है। ऐसे कुरान शरीफ जब जब वो काल आया, उसके फरिश्ते आए तो उनके जो लेख थे वो संग्रह कर लिए, उसका एक पवित्र शास्त्र बना लिया। ऐसे ही आज वर्तमान में एक ब्रह्मा कुमारी पंथ चल रहा, जिसमें इन किसी ब्रह्मा या कुमारी लड़की में एक ऊपर एक प्रेत आत्मा प्रवेश कर जाती है, एक लेखराज शर्मा की, और उसको प्रजापिता बनावे, और वो कहते हैं सदाशिव, ये काल ने वो सर्वशक्तिमान बताते हैं, कहते हैं बस आकार तो है नहीं, केवल ज्योत बिंदु, और वो जो कुछ भी बोल रहे हैं उसको लिखा जा रहा है, वो एक शास्त्र बना लेंगे, एक मजहब का रूप धारण कर लेगा जो काल तक का ही होगा और जन्म मृत्यु कभी समाप्त नहीं हो सकती। ऐसे देखिए जो है ये, ऐसे इन कुरान उतरी है, जैसे आजकल ब्रह्मा कुमारी वालों के ऊपर ये काल फिर वही जाल फैला रहा है। ये कुरान शरीफ इसके भूमिका में लिखा है कि ये किस प्रकार कुरान शरीफ लिखी गई, कैसे कलेक्ट की गई, कैसे संग्रह हुआ इसका। कुरान मजीद के उतरने, मजीद और शरीफ दोनों एक ही प्रकार है। कुरान मजीद के उतरने और संग्रह संकलन के हालात देखिए। कुरान मजीद एक पवित्र किताब है जो अंतिम नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारी गई। यह अरश कुर्सी के मालिक का कलाम है, और उसने स्वयं एक बर गुजीदा पैगंबर और मुकर्रब सबसे ज़्यादा लोकप्रिय बंदे पर नाजिल किया। किस पर? हज़रत मोहम्मद जी पर। इस्लाम का आधार इसी आसमानी फरमान संदेश पर है, जिसने अनुपालन किया है वह इस्लाम के दायरे में दाखिल हुआ है, और उस जिसने जरा भी अवज्ञा की है तो वो इस पाकीजा जमात इस्लाम से अलग हो गया और अल्लाह के बागियों में शामिल हुआ। जब नबी ए करीम सलल की उम्र, हजरत मोहम्मद जी की उम्र 40 साल की हुई, तो उस समय आपको नबुवत प्रदान की गई और रिसालत का ताज आपके सर पर रखा गया। इसी जमाने से कुरान के उतरने की शुरुआत हुई। यदा कदा यथा जरूरत के अवसर पर थोड़ा थोड़ा 23 साल तक नाजिल होता रहा। 23 वर्ष तक ये उतरती रही, क्योंकि 63 साल की उम्र में हजरत मोहम्मद की मृत्यु बताई है और 40 साल की उम्र में इनको ये प्राप्त हुई, ये उतरने लगी। तो सारा जो कुछ भी आते रहे, ये अंदर से देवते या कभी काल बोलता रहा, लिखते रहे, होता रहा। अगली किताबों की तरह पूरा का पूरा एक ही बार नहीं उतरा। हजरत मूसा अलैहि पर तौरात, हजरत ईसा पर इंजल और हजरत दाऊद पर जबूर, ये सब किताबें तो एक ही बार में उतारी गई थी, और सौभाग्य से ये सब किताबें रमजान के महीने में उतरी। इन पर तो एक ही बार उतरी, लेकिन हजरत मोहम्मद पर 23 साल तक लगातार आते रहे, लिखते रहे, बोलते रहे, लिखते रहे। कभी काल आ जाता ये ब्रह्म, और कभी इसके देवते फरिश्ते आ जाते। यही सही यह है कि आप हजरत मोहम्मद की नबुवत के बाद रमजान के सबे कदर में पूरा कुरान मजीद लोहे महफूज अल्लाह के पास से, उस आसमान पर जिसे हम देख रहे हैं, अल्लाह के हुक्म से उतारा गया। और इसके बाद हजरत जबरील इलाही को जिस समय जिस कदर हुक्म हुआ, उन्होंने पवित्र कलमा को बिल्कुल वैसा ही बिना किसी परिवर्तन के, कमी बेसी के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचाया। ओए होए, अब देखो, अब क्या बताया है इसमें कि ऊपर कोई भगवान है ऊपर, और वो दिखता नहीं, हम नहीं देख सकते उसको, क्योंकि उसको अव्यक्त माना है। और वो आदेश देता था जबरील को कि जा ये फरमान लेकर जा हजरत मोहम्मद को, ये बता के इसको ऐसे करे, ऐसे वजू करे, ऐसे इनकी नमाज करे। तो वो आकर के ज्यों का त्यों, जो उसका आदेश था ज्योत निरंजन का, वो ही आकर बता देता, कोई फेरबदल नहीं करता था। और कई बार ऐसा होता था कि वो काल स्वयं भी आकर उसमें प्रवेश कर जाता, कई बार तो देवता ये फरिश्ते सामने आ जाते,
और कई बार वो काल स्वयं प्रगेट कर होकर इसके प्रवेश करके भूत की तरह प्रेत की तरह और बड़ा तंग कर होते ही पहले घंटियां सी बजती है ऐसे ऐसे, फिर उनका शरीर कंपने लग जाता है सारा ऐसे ऐसे, जैसे प्रेत आते हैं किसी में, आप देखो यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में क्या हालत होया करती प्राणियों की, वो स्वस्थ हो गए, अब उनमें कुछ नहीं आता जो परम पिता के सामने ये नहीं आ सकते। तो इनके अंदर ये काल आता था और काल आकर के फिर जो बोलता उसको लिख लिया जाता था। अब देखिए इसके बाद कि उस ऊपर के अल्लाह का हुक्म लेकर यानी ज्योति निरंजन काल का जो फरिश्ता जबरील आता था और ज्यों का तो सुनाता था उसमें कोई फेरबदल नहीं करता था, जैसे अभी सुना था कि हमने तुझे डराने के लिए भेजा था और तुम अपने पाकी के साथ उस परम पिता परमेश्वर कबीर की महिमा पाकी बयान करते रहो, और ये वही है जो छह दिन में सृष्टि से सातवें दिन तक विराजा, ये उस ज्योत निरंजन अल्लाह अव्यक्त का आदेश है जिसको हजरत मोहम्मद अपना खुदा मानते थे, और वो कह रहा कि वो परमात्मा कोई और है, उसका नाम कबीर है, वही जिसने छह दिन में सृष्टि से सातवें दिन तख्त पर जा विराजा, और उसके बारे में ये जो कुरान शरीफ बोलने वाला अल्लाह कह रहा मैं नहीं जानता, उसकी खबर तो किसी बाखबर से पूछ देखो, वो बताओगा, यानी तत्वदर्शी संत। ऐसे ही पवित्र गीता जी ज्यों का त्यों, अब देखिए ऐसे पवित्र वेद, चारों वेद, और फिर देखिए ये कुरान मजीद जो अभी इसके आगे और पढ़ाते हैं आपको, ये था कि उस फरिश्ता, इसके बाद हजरत जबरील अल्लाह ही जो जिस समय इस कदर हुक्म हुआ उन्होंने पवित्र कलमा को बिल्कुल वैसा ही बिना किसी परिवर्तन या कमी वैसी से नबी सलहल तक पहुंचा दिया, उस काल का आदेश जो का तो एज इट इज जो उसने बोला यू लेकर आ गया, बस जैसे कुरान शरीफ में बोला है, कभी तो आयतें कभी तीन, कभी दो आयतें कभी तीन आयतें कभी एक आयत, तो कभी कभी दस दस आयतें भी, और कभी पूरी पूरी सूरत की सूरत यानी पूरा अध्याय का अध्याय, इसी को शरीयत में वह कहते हैं, ये वह कहलाती है। उल्मा विद्वानों ने वह के विभिन्न तरीके बताए हैं, हदीसों से पेश किए हैं, क्या फरिश्ता वह लेकर आए, फरिश्ता स्वयं लेकर आए वह, और या फिर एक आवाज घंटी जैसी मालूम हो, यह स्थिति अनेक हदीसों से साबित है कि यह किस्म वह की सब किस्मों से सख्त थी, बहुत कष्ट नबी सलल यानी अल्लाह को सलल मानी हजरत मोहम्मद जी को होता था जब ये घंटी सी बात, एक तो फरिश्ता वह लेकर आए और एक आवाज घंटी जैसी मालूम, ये दो प्रकार से आते थे, एक बार तो केवल वो काल आता था स्वयं उसमें प्रवेश कर जाता था प्रेत की तरह, पहले घंटियां सी बजती मालूम होती थी और फिर हजरत मोहम्मद का शरीर आकड़ जाता था, कंपने लग जाता था। एक तो दो तरीके हैं वह आने के, ये कुरान शरीफ के ऊपर से उतरने के, एक तो फरिश्ता वह लेकर आया जैसे जबरील लेकर आया, जबरदस्ती दबोच कर डरा कर धमका कर, दम घुटने हो गया, डरा धमका कर वो किताब पढ़ा दी, काल तक की महिमा बता दी, और एक आवाज घंटी जैसी मालूम हो, यह स्थिति, ये घंटी वाली जो स्थिति है, यह स्थिति अनेक हदीसों से साबित है कि यह किस्म वह की सभी किस्मों में सकती, बहुत कष्ट नबी सलल को होता था जब यह काल प्रवेश हुआ था, यहाँ तक कि आपने फरमाया कि जब ऐसी वह यानी घंटी सी बाज के कोई अंदर प्रवेश करता था तो मैं समझता था कि अब जान निकल गई जाएगी है परमात्मा, फरिश्ता दिल में कोई बात डाल दे, जैसे हजरत मोहम्मद को ले जा करके उसमें उसकी थाली उलेट दी थी, फरिश्ता आदमी के रूप में आकर बातें करे, यह किस्म बहुत आसान थी, इसमें कष्ट नहीं होता था, हालांकि उसको डराया धमका पकड़ कर दबोचा, इसको तो कहती है तो कोई खास दर्द नहीं था, अल्लाह ताला जागते में नबी सलल के कलाम फरमाए ऐसा भी सबे मेराज की रात में है, यानी अल्लाह ताला वो खुद काल बोल रहा है, जागते में भी उसको आवाज़ दे दे, अल्लाह ताला सपने में हालत सपने की हालत में कलाम पढ़ाए, यह किस्म भी इस सही हदीसों में साबित है, फरिश्ता सपने की हालत में आकर कलाम करे, मगर अंतिम की दो किस्मों से कुरान मजीद खाली है, पूरा कुरान जागने की स्थिति में नाजिल हुआ है, अगरचे चुख उल्मा ने सुर को ये तो नाम दिया है अपने हिसाब से, कहते हैं वास्तविकता ये है कि कुरान शरीफ और कुरान मजीद जितने भी हजरत मोहम्मद के पास जो आई हैं इनमें ये विशेष दो कारण रहे, या तो कोई फरिश्ता आ जावे
वो लिखवा दे, उसको डरा धमका के, और या फिर वो काल स्वयं प्रवेश करके, जब वो प्रवेश करता था तो उसका सारा शरीर जकड़ जाता था, बुरा हाल हो जाता था, और फिर अंदर बैठ कर बोलता था उस प्यारी आत्मा हजरत मोहम्मद में, इस काल ने ऐसे सबको गुमराह किया हुआ है। ये प्यारी आत्मा थी, पिछले जन्म जन्म के ऋषि थे, इनमें पिछले संस्कार बहुत अच्छे थे, आगे भक्ति सही बनी नहीं, क्योंकि वो शास्त्र विरुद्ध साधना है, काल तक, ब्रह्म तक, अव्यक्त तक रही इस प्रकार। तो इसमें क्या लिखा है, कुरान शरीफ में लिखा है कि वो कबीर परमेश्वर है, वही जिसने छः दिन में सृष्टि, सातवें दिन तख्त पर जा बैठा, और वो अपने बंधनों के गुनाहों को काट सकता है, पाप कर्मों का विनाश कर सकता है, वो वास्तव में अविनाशी है। और उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ देखो, यानी वो अल्लाह ताला, जिसको अल्लाह ताला बोलते हैं हजरत मोहम्मद, वो कहता वो कोई और परमात्मा है और मैं नहीं जानता उसके बारे में। इति सिद्धम के चारों पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्र यही बताना चाहते हैं कि और परमात्मा है जो वास्तव में पूजा के योग्य है, उसका नाम कबीर है। अब आपको, आपने देखा पवित्र शास्त्र गीता में, गीता जी में, क्योंकि चारों वेदों का सार गीता जी है, कि वो परमात्मा कोई और है और उसकी खबर किसी बाखबर से पूछो, वो कभी मरने वाला नहीं है। एक भक्त ने दास से प्रश्न किया कि मैं सत्यार्थ प्रकाश पर बहुत विश्वास करता हूं, उसमें तो महर्षि दानंद जी ने कहा है कि किसी ने प्रश्न किया कि क्या परमात्मा स्तुति करने वाले की, प्रार्थना करने वाले के पाप कर्मों को काट सकता है, समाप्त कर सकता है। उत्तर दिया महर्षि जी ने कि नहीं, वो नहीं काट सकता, पाप कर्म तो कट ही नहीं सकते। अगर ऐसा करे तो भगवान कहते हैं फिर तो अन्यायी हो जावे, वो न्याय नहीं रहे उसका, फिर सब दुराचारी हो जावे, लोग सोचेंगे फिर तो कि ठीक है, अब कितने पाप कर लें, भगवान से प्रार्थना करके कटवा लेंगे। तो इसलिए भगवान अल्लाह यानी परमात्मा का कहीं ऐसा नहीं लिखा किसी वेद या शास्त्र में कि वो पाप काट सके, और आपको 20 प्रमाण दिखाऊंगा वेदों में कि वो परमात्मा पाप काट सके, उसका नाम कबीर है। अब देखिएगा, ये सत्यार्थ प्रकाश आदरणीय श्री महर्षि दानंद जी स्वामी विरचित, श्री महर्षि दानंद सरस्वती स्वामी विरचित, कहाँ से है, वैदिक पुस्तकालय दानंद आश्रम केसरगंज अजमेर तक। यहाँ फिर देखिए, इधर सत्यार्थ प्रकाश है, महर्षि दानंद सरस्वती स्वामी विरचित है, वैदिक पुस्तकालय दानंद आश्रम केसरगंज अजमेर तक। अब इसके 9वें समुल्लास में किसी ने प्रश्न किया, 190 पृष्ठ पे नौवां समुल्लास दिखाते हैं आपको, के 200 ये अक्षमा करना, ये सप्तम समुल्लास, ये सप्तम समुल्लास है, सातवें समुल्लास में और प्रश्न नंबर 190 पे नीचे देखिए, इसमें लिखा कि ईश्वर साकार हुआ निराकार, उत्तर महर्षि देते निराकार है। अच्छा, 190 पे और 191 पे देखिएगा, 191 पे किसी ने प्रश्न किया कि परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना, ऊपर देखना,
परमेश्वर क्या चाहता है, परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करनी चाहिए वा नहीं, उत्तर महर्षि जी का करनी चाहिए। प्रार्थना और उपासना करनी चाहिए वा नहीं, किसी ने प्रश्न किया महर्षि जी से, महर्षि जी उत्तर दे रहे हैं करनी चाहिए। प्रश्न करने वाला कहता है क्या स्तुति करने से ईश्वर अपना नियम छोड़कर स्तुति प्रार्थना करने वाले के पाप छुड़वा देगा, उत्तर महर्षि जी का नहीं। तो प्रश्न करने वाला कहता है फिर तो स्तुति प्रार्थना क्यों करें, उत्तर दिया महर्षि जी ने उनके करने का फल और है। क्या फल है देखो, स्तुति से ईश्वर में प्रीति, उसके गुण कर्म स्वभाव से अपने गुण कर्म स्वभाव का सुधरना, प्रार्थना से निर्भिमानता और उत्साह और साहस का मिलना, और उपासना से परब्रह्म से मेल। एक तरफ तो निराकार, यहाँ देखो फिर इसी साइड में, इसी के सामने बिल्कुल इसी पृष्ठ पर दूसरा बिना है, प्रसन्न ईश्वर साकार है वा निराकार, महर्षि कहते हैं निराकार, और यहाँ कहते हैं परब्रह्म से मेल, उसकी उपासना से परब्रह्म से मेल और उसका साक्षात्कार होना। हे भगवान, साक्षात्कार तो आमने सामने बात करनी, आम्य असामी बिल्कुल एज इट इज देखना, और ये कहता नहीं, इधर तो निराकार लिख रहे हैं, यहाँ कह रहे हैं उसका साक्षात्कार होना और परब्रह्म से मेल, ब्रह्म की महिमा गा रहे हैं, परब्रह्म से मेल। मेल तो इसका हम उसको दर्शन करेंगे, देखेंगे, बैठ कर उसे बतलावेंगे, तो मेल भर साक्षात्कार होना। और यहाँ कहते हैं कि पाप नहीं कटते, पाप नहीं छुड़वा देगा कि नहीं। अब आपको 25 प्रमाण देता हूँ, वेद में लिखा है कि परमात्मा पाप काट सकता है, इन्हीं के कर कमलों द्वारा लिखा हुआ। पहले यजुर्वेद को लेते हैं, इन्हीं महापुरुष के हाथ से उनका अनुवाद है, ये यजुर्वेद महर्षि दानंद जी द्वारा ही पूरा अनुवाद है इसका, और ये कहां से प्रकाशित है, प्रकाशक है सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानंद भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली। यजुर्वेद अध्याय नंबर 8 का मंत्र नंबर 13, ये देखिए अष्टमोध्याय का नीचे ही देखिए, ये 13 नंबर मंत्र है, ये 13 नंबर मंत्र, इसका इन्होंने यहां अनुवाद किया है हिंदी में। हे सब के उपकार करने वाले मित्र, या भगवान है मित्र, आप दान देने वाले के एनस देखो, एनस माने पाप होते हैं, अपराध, पाप, अपराध के विनाश करने वाले हो, और वहां कहते हैं कि पाप नहीं कटते, पाप नहीं छुड़वा सकता हो, साधारण मनुष्यों के किए एनस माने पापों के अपराधों के विनाश करने वाले हो, आप सब कुछ विनाश कर देते हो, पिता के किए हुए एनस माने पापों के, पाप ही लिखना पापों को, के अच्छे प्रकार हरने वाले या विनाश करने वाले हो, अपने किए हुए पाप, एनस माने पाप सीधा ही लिखा इन्होंने स्वामी, पाप के विनाश करने दूर करने वाले हो, पाप को नष्ट करने वाले हो, अधर्म के अधर्म से एनस करते हो, जो मान गणे तो गणे कति कितने पाप क्यों ना हो, सब पापों के पाप, घोर पापों को भी आप विनाश करने वाले हो, दूर करने वाले हो, एनस अधर्म अधर्म के अधर्म यानी नरे तो नरे पाप हो, नरे पाप को भी नाश करने हारे हो, नवजात हुआ जानता हुआ मैं जो कुछ भी धर्माचरण किया करता हूँ वह करूँ, अनजान मैं जो कुछ भी किया करता हूँ करूँ, उस सब को एनस माने पाप के दूर करने वाले आप हैं। एनस माने पाप होता, सीधी सी बात है, और उधर लिखते हैं सत्यार प्रकाश में कि पाप नहीं काट सकते, समाप्त नहीं कर सकते, नहीं छुड़वा सकते। अब देखो नेक्स्ट,
इसी के साथ साथ आपको ये वेदमूर्ति तपोनिष्ठ, अब जहां तक इन महापुरुषों ने ऐसे श्लोक आए वो तो सही कर दिया अर्थ, और जहां पर आए परमात्मा साकार, इन दोनों के दृष्टिकोण यही रहा कि वो निराकार, इसलिए इनको सबको घुमा घुमू गए और उसका काफी काम खराब कर दिया। अब देखो यहाँ ठीक लिखा है इसने भी, श्री वेदमूर्ति श्री राम शर्मा आचार्य, इसने भी इसी आठवें अध्याय के और तेरहवें श्लोक का बिल्कुल ऐसा ही सरलात किया है। आठवें अध्याय का तेरहवा श्लोक ये देखो, अष्टमाध्याय यजुर्वेद, और यहां देखिएगा ये वो तेरहवा श्लोक है, ये तो इसके आपने करते हुए, आप देवताओं के प्रति यज्ञ उपेक्षा कारण हुए पापों को दूर करने वाले हैं, मनुष्यों के प्रति सद्वेष निंदा पाप हुए पापों को दूर करने वाले हो, पितृजनों के, ये तो अपनी तरफ से सरासरु लिख दिया, हमारे पापों का नाश करने वाले हो, पापों से मुक्त करने, एनएस वाले ने सब जगह पाप लिखा है, पाप या अपराध एक चीज है, पापों के मुक्त करने वाले हो, प्रथम अपराध था, दूसरे अपराध जन्य पापों का निवारण करने वाले हो, अतः आप हमें पापों से मुक्त करें। अब देखिएगा इसी के 16 नंबर श्लोक में, अब देखिएगा इन्हीं महापुरुष महर्षि दयानंद जी द्वारा यजुर्वेद का आगे अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 16 में, अथ 44 अध्याय, ये देखो नीचे देखिए 16 नंबर श्लोक में है, ये 16 नंबर मंत्र है, ए देव स्वरूप अग्नि माने प्रकाश रूप करुणा में जगदीश्वर, अग्नि माने जगदीश्वर, जिससे हम लोग आपके लिए अधिकतर सत्कार पूर्वक प्रशंसा यानी सतुति सेवन करें, इससे हम सबको जानने वाले आप हम लोगों के जटिल कुटिलता रूप यानी घने खतरनाक एन माने पापों को भी, एन एन माने पाप, एन पाप चरणों को पृथक कीजिए, हम जीवों को यानी पापों से बचाइए, यानी तुम पाप से रक्षा करने वाले हो। आगे देखिए इसी के अध्याय नंबर 6 का, इसी में अध्याय नंबर 6 का 35 नंबर श्लोक, अब ये देखना पड़ेगा कि इन महापुरुषों की शास्त्र के विरुद्ध वेदों विरुद्ध कितने कथन है, और भोली आत्मा इनको बिल्कुल इनके ऊपर इतने आश्रित हो चुके हैं, क्योंकि हमारे पास और कोई स्थान नहीं था, हमने इन महापुरुषों को एक ऐसा विद्वान मान लिया था, हमने अपनी सोच खत्म कर दी थी, इन्होंने जो वेदों का सरलार्थ किया वो सही होगा या अपनी थ्योरी जो इन्होंने बताई वह सही होगी, वेदों से मिलती होगी। अब देखिएगा ये यजुर्वेद महर्षि दयानंद जी द्वारा भाषाभाष है, और इसके प्रश्न यहाँ छठा अध्याय, ये नीचे देखिए, नीचे बिल्कुल इसके 35 नंबर श्लोक है छठे का, ए स्त्री तू शरीर व बल युक्त होती हुई पति मत डर मत कंप, आत्मा के बल और पराक्रम को धारण कर, हे पुरुष तू भी वैसे ही स्त्री से व्रत, दोनों स्त्री पुरुष, वैसे इसका अर्थ साधारण और धार्मिकता पे है, इन्होंने तो अपनी थोड़ी से इसको ऐसे सोल्व कर दिया, सूर्य और भूमि के समान परोपकार पराक्रम को धारण को, जिससे दृढ़ बल वाले हो, वर्ताव वर्ते हुए तुम लोग पाप दोनों पापा पापमा पापों का नष्ट हो, पापों से अपराध नष्ट हो, आपके पाप खत्म हो, पाप है अपराध यानी पाप, पापमा सीधा पाप लिखा है, आपके पाप नष्ट हो जाएं, बताओ। अब देखो 242 पृष्ठ पे आपको दिखाते हैं,
ये आपने पढ़ लिया 220। अब देखिएगा इसके साथ साथ इन्हीं के करकमलों द्वारा ऋग्वेद मंडल नंबर 1 और इसके महर्षि दानंद जी द्वारा ये प्रथम मंडल यानी ऋग्वेद भी आधा उन्हीं के द्वारा टीका है यानी अनुवाद है, भाषा भाष्य है। और ये ऋग्वेद कहाँ से प्रकाशित है? प्रकाशक है सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा, ये 3/5 महर्षि दानंद भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली। अब इसमें आप देखिएगा मंत्र मंडल नंबर 1 के और सूक्त नंबर 24 के मंत्र नंबर 13, 14 और 15 में क्या लिखा कि आप बंधन काटने वाले बंदी छोड़ हैं, पाषाण माने बंधनों को विनाशक उनके काटने वाले हो। देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त नंबर 24 का ये 13 श्लोक में, जैसे उत्तम गुण वाला विद्वान कर्म उपासना और ज्ञान से अविनाशी परमेश्वर का आह्वान करता है, वह हम लोगों ने स्वीकार किया हुआ उत्तीनों कर्म उपासना ज्ञान और प्रकाशित करता है, और जो क्रिया कुशलता की सिद्धि के लिए विमान आदि यानों के खंभों को नियम से युक्त किया हुआ वायु ग्रहण किया है, वैसे हम लोगों को भी ग्रहण करना चाहिए। जैसे जैसे गुण वाले पदार्थों को अति प्रशंसीय उत्तश्रेष्ठ अत्यंत श्रेष्ठ व प्रकाशमान परमेश्वर पृथक पृथक बनाकर सिद्ध करे, हम लोगों को भी वैसे ही गुण वाले कर्मों में युक्त करें। हे भगवान, हे परमेश्वर, आप हमारे बंधनों को पाषाण कर्मों के बंधनों को विमुक्त बार बार छुड़वाइए, हमें पापों से छुड़वा देते हो। इसी प्रकार हम लोगों की क्रिया कुशलता में संयुक्त आदि आदि हमें सकल बंधन सकल पाषाण माने सभी बंधनों से, दर्द रूप नहीं कर्मों के बंधन से, ये दिन की सोच है, कर्मों के बंधन से हमें मुक्त बार बार मुक्त करो, हमें छुड़वाते रहो परमात्मा, हमें छुड़वाओ बार बार नहीं विमुक्त करो बार बार। तो इनकी अपनी सोच है, ये कहते हैं जन्म मृत्यु नहीं मिटे, अपनी सोच से बार बार लिखा नहीं विमुक्त करो, हमें छुड़वा दो, आप छुड़वा सकते हो। आगे देखो नीचे 14 में, हे प्रकाशमान परमात्मा, हे प्रकाशमान अति उत्तम विज्ञान प्रमाण में रमने अत्यंत प्रशंसनीय हमको विज्ञान देने हारे भगवान जगदीश्वर, जिसलिए हम लोग किए हुए अनासी माने पापों को विनाश करते हुए, यानी आप हमारे पापों का विनाश करते हो, इसका सीधा यू बनाए, क्योंकि इनके इनको जहाँ ये देखा कि तेरी थ्योरी गलत होती है आपकी, तो उसको तो उलझा दिया, लेकिन उस 8वें अध्याय के 13 में ये कुछ नहीं कर सके, साफ लिखना पड़ा पाप कर्म काट सकते हो, यहाँ अपने हिसाब से कर। आगे देखो ये देखो फिर 15 में लगातार ही 13, 14, 15 में स्वीकार करने योग्य ईश्वर, ये 15 श्लोक है, आप हम लोगों से निष्कर्ष मध्य और निष्कर्ष से कुछ विशेष और अति दृढ़ अत्यंत दुख देने वाले बंधनों को पाषाण बंधनों को अच्छी प्रकार नष्ट कीजिए। अच्छा इसके अंतर हे विनाश रहित जगदीश्वर आदित्य कबीर परमेश्वर, उपदेश करने वाले सबके गुरु आपके व्रत सत्याचरण रूपी व्रत को करके निरपराधी होकर हम लोग निरपराधी यानी पाप रहित होकर हम लोग अखंड विनाश रहित सुख को प्राप्त
नियत होवे, यानी कभी ना समाप्त हो, उस अखंड सदा के लिए रहने वाले सुख को प्राप्त हो, सतलोक में चले जावे। अब ये वो अब देखिएगा, इसके साथ साथ ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और 10 इन्हीं के करकमलों द्वारा और आर्य समाज को ये मान्य है, जो इस मधु टीका किया बिल्कुल सही है। इसमें देखिएगा कहाँ कहाँ और किन किन प्रश्नों पर लिखा है आप पाप काट देते हो। ये ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और 10 महर्षि दानव सरस्वती द्वारा इसका प्रकाशन है और ये इसका अनुवाद लिखा है इन्होंने कि इनके द्वारा किया है। और ये देखो महर्षि सार्वदेशिक प्रकाशक है, सार्वदेशिक कार्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दान भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। इसके देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 42 के प्रथम ही सूक्त में, प्रथम ही मंत्र में लिखा है हरि माने पापों को हरने वाले आप वह परमात्मा। और तेरे आगे देखो इसी के 210 पृष्ठ पे ये देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 का 66 और इसका 25 नंबर में लिखा कि हरे पापों के हरण करने वाले है, पवित्र अज्ञान रूप नाम करने वाले तथा हरे माने पापों के हरण करने वाले आप जगदीश्वर। आगे देखो इसी के 234 पृष्ठ पे अब इन बातों से समाज भक्त समाज के सामने ये सच्चाई आएगी। दास का ये उद्देश्य नहीं है कि इनका इनकी केवल मैं बदनामी करूं या इनकी कोई छवि धूमिल करूं, कोई छवि धूमिल नहीं करना, सिर्फ इन्हीं के करकमलों के द्वारा लिखा हुआ लेख दास दिखाना चाहता है कि वेद सही बता रहे हैं, इनकी थ्योरी वेदों के विरुद्ध है, इसलिए हमें वेदों को फिर देखना होगा। देखियो ऋग्वेद मंडल नंबर 9 का सूक्त नंबर 70 नीचे देखियो, यहाँ देखो ये नीचे, हाँ सूक्त नंबर ये 8वें श्लोक में है, हरे हरि माने पापों का हरण करने वाले। अब और देखें, अब 236 पृष्ठ पे ये इसके साथ ही ये देखिए हरि पापों के हरण करने वाला ब्रह्म परमात्मा अंतरिक्ष में परमाणु समूह से अच्छा दिया, अर्थात इन्होंने अब शब्दों के अर्थ भी काफ़ी लुकोने छुपोने की चेष्टा की और फिर भी कुछ ऐसे प्रमाण विद्यमान रहे कि इन्हीं के करकमलों द्वारा परमेश्वर ने लिखवा दिए कि परमात्मा, क्योंकि वास्तविकता वेदों में से छुप नहीं सकती, लिखी हुई है। अब यजुर्वेद के 5वें अध्याय के 32वें श्लोक में उसका नाम लिखा, परमात्मा कौन है जो पाप काटने वाला, यही सिद्ध करना चाहता था दास कि पाप काटने का पाप कर्म कटते हैं छूटते हैं और वो उसका नाम कबीर है, जैसे अभी सभी पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों से प्रमाणित होता आ रहा है। अब देखिए यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 का श्लोक नंबर 32 महर्षि दानव सरस्वती द्वारा ही इसका अनुवाद है और 5 के 32 में वो कबीर परमेश्वर है जो पापों का विनाश करने वाला है, अंगारी कबीरसी कबीर अंगारी असी, यजुर्वेद भाषा भाषे 5वां अध्याय मंत्र नंबर 32 श्लोक नंबर 32 में लिखा है उसी गसी कबीर अंगारी असी, वो कबीर परमेश्वर है जो पाप विनाशक है। ये भी निचोड़ कर दिया कि उसका नाम कबीर है और वो कहाँ रहता है, वो सतलोक में रहता है और वो बंदी छोड़ है, पाषाण माने बंधनों से विमुक्त करने वाला, समाप्त करने वाला, बम्बारी माने बंधनों का शत्रु, वो कबीर है कबीर। या देखिएगा हे जगदीश्वर जिस कारण आप उसी कांतिमान असी माने हैं, अंगारी माने पापों के शत्रु,
ये वैसे पाप विनाशक, जैसे अरि माने शत्रु मुरारी, श्री कृष्ण जी को मुरारी कहते हैं, मुरा नाम के राक्षस को मारने का शत्रु होने से विनाश करने के कारण मुरारी कहा गया। ऐसे अंगहारी माने पाप कर्मों का दुश्मन, पाप कर्मों का समाप्त करने वाले। यहाँ कबीर लिखना था, कबीर, आप कबीर हैं, आपका नाम कबीर है, जैसे यजु कहीं लिखा हो तो, जैसे यजुर्वेद है, ये देखिए इस यजुर्वेद को की महिमा गाई जावे। और जहां पर लिखा हो कि ये गुण जो बताए जा रहे हैं ये यजुर्वेद में है, और जहां पर यजुर्वेद लिखा है उसका कोई छंद ही छेद कर दे, फिर इस पवित्र पुस्तक ने कैसे ढूंढा प्राणी, अर्थात कभी नहीं हाथ लगे। तो इसका लिखना था वो यजुर्वेद है जिसकी महिमा गाई जा रही। इसी प्रकार आपको दिखाते हैं, जैसे आपको मिलेगा ये परिभाषा प्रभु की, इस पुस्तक को आप एक बार ले लोगे तो आपको किसी शास्त्र की शायद परचेज खरीदने की आवश्यकता पड़े। इसमें देखिएगा, अब ये यजुर्वेद है, और किसी ने महिमा गाई हो, जैसे कि एक पवित्र पुस्तक है, उसमें ऐसे ऐसे बड़े अच्छे अच्छे ये, अब यजुर्वेद की महिमा कहें कि प्रभु की यज्ञों की सतुतियों का भंडार है, बहुत अच्छी विधि वर्णित है, एक अनमोल जानकारी है, और वह लिखे नहीं कि वह यजुर्वेद है, और जहां बल्कि लिख दें कि यज्ञीय सतुतियों का ज्ञान, यानी यजुर्वेद के स्थान पर यज्ञीय सतुतियों का ज्ञान लिख दे, और ये ना लिखे कि यजुर्वेद पुस्तक है, उस पुस्तक में को कैसे पाया जा सकता। ऐसे इन कलयुगी ऋषियों ने जहां पर कबीर शब्द लिखा उसको कवि करके संज्ञा का और अर्थ दे दिया और कह दिया निराकार भगवान है। इसके उससे लिखना होगा कि वह यजुर्वेद है जो पवित्र यज्ञ स्तुतियों का स्रोत, एक पुस्तक है। अब यजुर्वेद की संधि छेद करके हम ऐसे लिखते तो कोई दिक्कत नहीं, ये व्याकरण तो इनकी अपनी बनाई हुई है और वेद भगवान के बोले हुए हैं। वेदों में जो लिखा रह लगा है तो कोई सोच समझ कर लाया, उसने कोई अनजान नहीं था भगवान, इन्होंने अपने हिसाब से बना लिया कि रह हटा कर अपसर लाकर कवि लिख दो, उसको यजु लिख दे, इसको यजु लिख दो ना, फिर इसको यजुर्वेद क्यों लिखते हो, जहाँ पर यजु आता है कि वो यजु है तो यजुर्वेद लिखते हैं। ऐसे जहाँ कवि भी आएगा, कबीर भी आएगा, तो भी इसको उस कबीर ही लिखना पड़ेगा। यहाँ देखिए, इसको ऐसे लिखेंगे तो भी इस पवित्र पुस्तक यजुर्वेद का ही बोध है जिसमें यज्ञ स्तुतियों की ऋचाएं हैं, उस धार्मिक पुस्तक को यजुर्वेद कहते हैं। ठीक इसी प्रकार चारों वेदों में लिखा है कि वह कबीर देव, कबीर साहेब है, जो सर्वशक्तिमान, जगत पिता, सर्वसृष्टि रत्नहार, कुल मालिक तथा पाप कर्म काटने वाला, काल की कारागार से छुटवाने वाला, अर्थात बंदी छोड़ है। उसको ऐसे लिख दें तो भी कोई दिक्कत नहीं, कबीर देव लिखें तो भी कबीर परमेश्वर का बोध है, ऐसे लिख देंगे तो भी कबीर परमेश्वर का बोध है। अब जैसे कभी अंग्रेजी में ऐसे लिखेंगे तो हिंदी में वो कभी किसी प्रकार, इसकी मैं बता कि तब सर्ग लाएंगे हम, कबीर हो गया, कबीर ही लिखना पड़ेगा। तो ऐसे ये भाषा अब भ्रंश होता होता अब ये कबीर पक गया, और ऐसे ही अरबी में भी कबीर लिखा जाने लगा, और आम भाषा में भी इसको कबीर लिखने लगे, और परमात्मा भी अपने आप को कबीर कहने लगा कि कबीर से जानते हैं, कबीर से ही, लेकिन वास्तव में वो कबीर देव है। ये भाषा का अंतर है, बाकी कबीर कहो चाहे कबीर कहो कोई दिक्कत नहीं, वस्तु वही है। हम वेद कहें चाहे वेद कहें, वेद और वेदक का बात है। अब ये सिद्ध हो गया कि वो परमात्मा कौन है, वो कबीर है। अब देखियो फिर यजुर्वेद 5:35 इन्होंने कवि लिख दिया, उसका कबीर काट के कांत परजय अर्थ कर दिया, उसका कांत परजय अर्थ कर दिया। 5:32 उसी कसी कबीर अंगारी असी, वो कबीर परमेश्वर है, पापों का विनाशक शत्रु। यहाँ देखिए, खोटे चनल जीवों के शत्रु, यह लिखना था पापों के नाशक, पाप विनाशक। इसके साथ साथ एक, क्योंकि इस दास की व्याख्या पर आपको बाद में असर होगा, अभी आप इन महापुरुषों को इतने विद्वान मान चुके हो कि इनकी एक एक बात को आप फाइनल कर चुके हो। इसी के साथ साथ एक और विद्वान की, जहाँ इन विद्वानों ने ये असमंजस में नहीं पढ़े निराकार साकार में, वहां तक तो इन्होंने ठीक अर्थ किया, और जहां पर ये अपनी थ्योरी पर आधारित करके वेदों का सरलार्थ किया, वहां वेदों के विरुद्ध व्याख्या बन गई। 5:32 ये श्री वेद मूर्ति श्री राम शर्मा आचार्य, इसके 32 में आप देखिएगा,
ये ऊपर देखिए यजुर्वेद अध्याय नंबर, यजुर्वेद संहिता और पांचवा अध्याय और 32वां मंत्र इधर देखें, ये वो 32वां मंत्र है। उसे गसी कवि रंगहारी असी ब्रह्मारी अवसुरसी, क्या बताया है ये पौत्र धीय अभी ना अपनी समझ में, जिन्होंने रामायण का ना बिरा रामायण के सरलार्थ की करेगा, लेकिन अर्थों का शब्दार्थ इन्होंने ठीक कर दिया। जैसे आप कामना के योग नूतन रचाओं के का दर्शन कराने वाले हैं, हे निष्ठ धीय आप त्रेकी पाप नाशक, अंगहारी का अर्थ इन्होंने पाप नाशक और पोषण करता है, इन्होंने ये ठीक किया पाप नाशक। अब इसी को मैं सिद्ध करना चाहता था कि अंगहारी माने पापों का विनाश करने वाले पाप नाशक, और इसमें ये स्वयं इसमें सीधा लिखा अंग माने पाप, अरि माने शत्रु, पापों का विनाश करने वाले आप कवि रंगहारी असी। नीचे देखिए वही प्रसन्न है पांचवें अध्याय का 32वां श्लोक यजुर्वेद का, उसी गसी कवि रंगहारी असी, हे जगदीश्वर जिस कारण आप उसी गसी कांतिमान हैं। अंगहारी माने यहाँ शत्रु पाप विनाशक हैं, आप कौन हैं पाप विनाशक, आप कबीर हैं, कबीर असी वो कबीर है, बस ये लिख देना था, दूसरी बात तो नहीं, वो कबीर परमेश्वर है, वो कबीर देव है। जैसे यजुर्वेद की महिमा हो तो यहाँ लिखना पड़ता वो यजुर्वेद है जिसमें ये गुण गाए जाते हैं, जिसकी में ये गुण है जिसकी महिमा गाई जा रही है। आगे देखिए बम्बारी माने बंधनों के शत्रु यानी पाषाण विमुक्त, पाषाण बंधनों से छुड़वाने वाले, कार्यक्रम के बंधन से समाप्त करने वाले, काल की कारागार से छुटवाने वाले, हम उसे बंदी छोड़ कहते हैं जो बंधन से छुड़वा दे, काल की कैदतें काट दे। आगे देखो ये कहाँ रहता है, रत धामा सतलोक युक्त है, सतलोक में रहता है वो परमेश्वर, सतलोक में रहता है रत धामा, सत धाम कहो सतलोक कहो सचखंड कहो, वो परमात्मा सतलोक में रहता है, और वो सवर ज्योति है, स्वयं प्रकाश है उसका, उसके शरीर तो प्रकाश निकल रहा है, वो परमात्मा कबीर है। अब इन बातों से एक बार तो अनजान आत्माओं को दुख होगा कि ये महाराज जी सबकी निंदा कर रहे हैं। अब ये निंदा कहो चाहे आपका भला कहो, निंदा नहीं होती, निंदा होती है कोई झूठ उठपटांग किसी के बारे में, उसको कहे ये चोर है, ये ठग है, ये लुटेरा है, ये ऐसा है, और झूठी बात कहे उसके बारे में और वास्तविकता ऐसी ना हो तो वो निंदा होती है, ये निंदा नहीं है, ये तो आपका भला और आपका उद्धार परमेश्वर ने करवाया है इस दास के माध्यम से। अब एक समय की बात है, एक उस भक्त ने जो प्रश्न करा था कि मैं सत्यार्थ प्रकाश के ऊपर बहुत विश्वास रखता हूँ, उसके सामने ये पेश किया, सबको दिखाया उसको, तो काफ़ी असमंजस में पड़ा। उसने फिर आगे दिखाया कि हम ये मना करते हैं महर्षि दानंद जी के जैसे द्रौपदी की साड़ी बढ़गी, ये नहीं हो सकता, नरसिंह जी की हुंडी भगवान ने ले ली, उसकी जाल दी यानी उसके 500 रुपये दे दिए खुद प्रकट होकर आके उसके सामने, तो महर्षि दानंद जी कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता, ये तो कहने मात्र की बातें हैं, किसी सेठ ने दे दिए होंगे 500 रुपये और कह दिया भगवान दे गया। कहने का भाव ये है कि वो नहीं मानते कि परमात्मा किसी का दुख निवारण कर सकता है, या किसी के आई आपत्ति को टाल सकता है, या कर्मों को विनाश कर सकता है, या ऐसे कोई लक्षण कर सकता है जैसे धन्ना भगत के ने बीज बांट दिया था, दान कर दिया था और उसके कंकर बीज दी थी गुरुवारों के डरते हैं, फिर तुम्बे उगे थे, तुम्बों की बेल उगी, फिर उसे मोटे मोटे उनके वो कद्दू लगे इसे मोटे मोटे, और उनमें ज्वार पाई, वो बीज ज्वार का जो बांटा था उसमें बिल्कुल स्वच्छ ज्वार भरी भराई पाई और सैकड़ों मन वह ज्वार होगी। तो ये महर्षि दानंद जी कहते नहीं ऐसा नहीं हो सकता, हम नहीं मान सकते इन बातों को। अब पहले तो ये दास भी ऐसे ही जो कुछ भी कह देते थे को धार्मिकता युक्त लोग, हम उनको सब मान लेते थे कि ऐसा ही होता होगा। एक समय हमारे यहाँ किराए पर एक आर्य समाज विचारों से संबंधित एक बहुत ही अच्छी आत्मा का एक बुद्रक सा व्यक्ति, वो प्राइमरी का हेडमास्टर था,
उस कॉलोनी में जहाँ ये दास का कुटिया थी पहले, वह किसी स्कूल में वो नौकरी करते थे और रहा करते किराए पर हमारे उस कुटिया में। उनके विचार आवभाव बहुत ही नेक, बहुत ही अच्छा आचरण उनका, उनसे काफी बैठ के चर्चा होती थी जब तक दास को ये उपदेश नहीं मिला था। तो जैसे वो कहते थे भी, हम प्रश्न करते थे, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने साड़ी बढ़ा दी उसकी द्रौपदी की, तो वो कहा करते नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये तो इन पोप लोगों ने अपनी मनमुखी बातें बनाकर दुनिया को गुमराह करके अपने पीछे लगा रखा है। और अगर आपने पूर्ण जानकारी चाहिए तो सत्यार प्रकाश पढ़िए, ताकि आप इन पाखंडों से बच जाओगे। जैसा भी सत्यार प्रकाश भी लाए, फिर वेदों को भी जैसा समय आने पर वो भी लाए और पढ़ते रहते थे, अच्छा लगता था, क्योंकि हमें स्वयं ज्ञान नहीं था क्या बात वास्तविकता और क्या अवास्तविकता है। तो हम बड़े प्रभावित रहते थे, परमात्मा में आस्था थी, बचपन से हनुमान पुजारी था, श्री कृष्ण राम के गुण गाता था, मंगलवार का व्रत रखा करता ये दास, मंदिर में बड़े खुश होकर जाता था, मूर्ति की पूजा माने बहुत उसका आदर करते थे, मूर्ति देखते नमन हो जाते थे। और जब तक ये ज्ञान नहीं था तो कोई कहता था कि मूर्ति में भगवान नहीं है, क्यों मूर्ख लोग जाते हैं, तो मुझे दुख होता था, क्योंकि हम स्वयं उस रंग में पहले रंगे हुए थे। इस दास को जब उपदेश प्राप्त हुआ तो उसके बाद वास्तविकता का ज्ञान हुआ, और साथ साथ परमात्मा क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता, तो वो भी ज्ञान हो गया कि पूर्ण परमात्मा कबीर परमेश्वर की शब्द कोश में असंभव शब्द नहीं है, इम्पॉसिबल वर्ड उस कबीर परमेश्वर की डिक्शनरी में नहीं है। बाकी परब्रह्म ब्रह्म और ब्रह्मा विष्णु महेश अन्य देवता के वो नहीं कर सकते, वो असंभव को संभव नहीं कर सकते, और ये परमात्मा असंभव को भी संभव कर सकता है। एक बार इस दास ने एक 5.5x15 फुट की गैलरी के ऊपर एक पूजा स्थल बनाया, भी ऊपर एकांत में बैठ के वहां भजन किया करेंगे, वहां अपनी जोत बत्ती हवन आदि किया करेंगे। ऐसा जैसे गुरुदेव से उपदेश मिला, उन्होंने जैसा हमें आदेश दिया वैसे प्रारंभ किया। तो उसमें ऊपर आमने और सामने दो खिड़कियां लगवाई, और फिर कुछ दिनों के बाद एक उनके जाली लगवाने के लिए जाली लिया, लोहे की जाली, पैमाइश करके ले गया मैं माप के, और उस पर्ची को मैंने एक दुकानदार को दे दिया कि ये ऐसे ऐसे दो साइज की जाली काट दे और मैं कुछ और सामान लेकर आता हूँ। वो वापस आया तो उसने, उसके नौकर ने वो जाली काट के बांध के तैयार रख रखी, मैंने रख कर स्कूटर पर घर आ गया। घर आ करके मैंने अपने पुत्र से, बड़े वाले से, और साथ में किराए पर रहता था एक बिहार का, अनिल नाम था उस लड़के का, नौजवान बच्चा था 22-23 साल का, उनसे कहा कि आप दोनों मिलकर, लड़का मेरे वाला ज़्यादा से ज़्यादा 13 वर्ष का होगा, कि माँ तुम ऐसे करो, ये जाली जो है इसे इसके ऊपर लगा दो, या फट्टी ही लगा कर कील लगा दो। अब वो लगाने लगे, उन्होंने देखा ये तो छोटी है, मेरे को बुला जी, ये तो जाड़ी पूरी नहीं आ रही। मैं कहने अभी नाप के लिया, छोटी कैसे हो सकती है। जब मैंने भी देखा वास्तव, वो ऐसे करें जब तो 8 इंच छोटी, ऐसे करें तो वो चौड़ाई ज़्यादा हो जाए, नीचे तो 1.5 फुट छोटी। दोनों को देखा बार बार, को 3-4 बार देखा मैंने, फिर वहाँ भी रख दो, अब कहाँ इनको वापस करेंगे, कटी हुई इनको ले को नहीं। उसको उठा के करके मैंने वो नूके नू बांध के स्टोर में डाल दी, ऊपर रसोई के ऊपर स्टोर था। कुछ दिनों के बाद इस दास ने केंद्र प्रेरणा हुई परमेश्वर की कि एक नित्यनेम, ये छोटे छोटे गुटके जो रोता आरती करने के होते हैं, 2000 छपवाए, और उनको छपवा के ऊपर एक तख्त डाल के उसी पे उस पूजा स्थल में रख दिया, उस कमरे में। कुछ दिनों के बाद क्या हुआ कि उसका एक शीशा टूटा हुआ था एक खिड़की का, उस शीशे के अंदर से चूहे प्रवेश करके, कपड़ा सा भी बांध रखा था, कपड़ा भी काट के और वो उसमें घुस के उन किताबों को काटने लगे। फिर मुझे याद आया कि वो जाली जो पड़ी थी, 5-6 महीने हो गए थे, एक रेनी सीजन, एक वर्षा का ऋतु भी ऊपर का उतर गया था, और उनको जाली को जंग सा लगा हुआ था थोड़ा थोड़ा। तो मैंने उन बच्चों से कहा कि भाई ऐसे करो, वो दोनों किराएदार भी, वो लड़का भी, मैं ऐसे करो, वो जाली रखी थी ना पीछे, उन जालियों को उतार कर स्टोर में से और इस एक खिड़की के ऊपर लगा दो,
ऊपर नीचे करके, यानी पूरी कवर कर दो इसको, ज्यादा ज्यादा चढ़ा दी और लैप ज्यादा कर देना, और चारों तरफ से इसको कील ठोक दो इसमें, ताकि ये चूहे पवित्र पुस्तकों को खराब ना करें। अभी समय नहीं है, फिर बाद में देखेंगे और अलग से फिर लगा लेंगे कोई कुड़ी लाके इनके जाली जुड़ी। अब मेरे मकान में पहली बार वो जाली लगवाई थी, उससे पहले ना जाली किसी खिड़की का लवा रखी थी, अग भाई और दूसरी पा गई तो वो उसके बदले में दूसरी, यानी मेरा भाव ये है कहने का कि परमात्मा ने मेरे इस दिमाग में गुंजाइश नहीं छोड़ी, कहीं ऐसे हो गया होगा वैसे ऐसा वैसा अग्रम अग्रम छोड़ी नहीं। मैं उनको कहकर चला गया तो पीछे से उन्होंने, मैं सामने आया अपनी ड्यूटी से, देखा आते मुझे चिंता थी कि नहीं लगाई होगी तो लगवाएंगे गेर लायक का बच्चा ना विकास की हो, तो उन्होंने वो लगा रखी, एक जाली तो लगा रखी और एक नीचे पड़ी वहीं पर रखी हुई। अब मैंने सोचा भी जाली पूरी एक ही लगी हुई है, एक लग के भी 6 इंच और ज्यादा एक साइड में, जिधर छोटी थी जिस साइज में 6 इंच और बड़ी वो पूरी हो कभी, यानी लगभग 1.5 फुट बढ़ गई, 8 इंच छोटी थी और 6 इंच और बढ़ गई, यानी 14 इंच 14-15 इंच या और बढ़ गई। तो मैंने उसकी मम्मी से कहा, मैं कहा ये जाली नई लाए हैं क्या बच्चे, तो वो कहने लगी नई कहाँ लाए हैं, मैं सुबह से कहने लगी थी भाई तेरा पापा होगा तुझे नाराज होगा तो इसने लवा दे, अब आपके आने से 10 मिनट पहले मैंने 2-3 बार कहा जो वनी बुला के वो किराएदार, और अब लगवा के खेलने गया है, और ये मैंने उठाई भी ना दूसरी यहीं पड़ी। तो मैंने कहा ये बदलवा लाए क्या दूसरी, न बोली ये बदलवान का था, सारे दिन की लग रही थी कहने को, अब तो इसने लगाने की चेष्टा की, बदलवावे कहाँ से, और 12-13 साल के बालक ने कौन चेंज कराए। ये भी दिमाग में आई क्योंकि हम इंजीनियर माइंड थे, भगवान वास्ता जरूर थी पर इसे अनजान सोच में फिर भी आधारित उलट भी थे और सुलट भी थे। ये तो मानते थे परमात्मा कोई शक्ति है कुछ कर सकता है, लेकिन किसी से सुनते थे ऐसा नहीं कर सकता, चलो ऐसा नहीं कर सकता तो कुछ तो कर सके, आस्था परमात्मा में फिर भी बनी रही। मैंने उस बच्चे को बुलाया और उसको कहा बेटा मेरे सिर पर हाथ रख, पहले कसम खा अपने कबीर परमात्मा की। वो सहम सा गया एकदम, भी क्या बात होगी, मैं तो पहले कसम खा, अब कसम खाता हूँ सच्ची बताऊंगा, ये जाली जो तुमने लगाई है ये वही है या और बदलवा के लिया है। नहीं बोले जी तो वही है, मेरी माँ ने मम्मी ने उतार कर नीचे डाली थी, और यह काफ़ी देर की कह रही थी मैं अनिल नहीं पावा कभी मैं नहीं पाऊँ, अभी लगा के गया हूँ 2 मिनट पहले, और ये एक या यहीं पड़ी रखी है। मैंने कहा भाई ये छोटी थी जिस दिन तुम पहले लगाओ थे उनका, फिर वो दोनों आ गए इतने में, अनिल भी वो अभी दोनों ने फिर ध्यान आया को हो ये तो बहुत छोटी थी ये पूरी कैसे होगी। मैं बोला भाई मुझे पता ये पूरी कैसे होगी हे परमात्मा। अब वो दिन है राज दिन इस परमेश्वर ने श्री रजा करी इस दास के अंदर कोई गुंजाइश नहीं छोटी, कोई ये कहे कि परमात्मा ये नहीं कर सकता हम नहीं माने, वो ना माने उनकी मौज है कोई दबाव नहीं, पर हम ये दास नहीं मान सकता इस बात को कि परमात्मा पूर्ण ब्रह्म भगवान क्या जो कुछ नहीं कर सकता, फिर तपाज हो गया वो। उस दिन के बाद दास का जीवन चय बदल गया, और जिसका आज परिणाम है कि लाखों की संख्या में ये पुण्य आत्मा प्रभु को पहचान रही है। अब उसके तुरंत बाद 2 दिन पीछे मैंने उसी अध्यापक, वो आर्य समाज से प्रभावित बहुत ज्यादा, बिल्कुल दूसरे की बात नहीं सुना केवल महर्षि दानंद और इस सत्यार प्रकाश से दूसरी बात वो करे नहीं। अब मैंने सोचा ला इस बूढ़ी आत्मा को भी समझा दूं कहां अटक क्या बैठा यू, ये नहीं हो सकता वह नहीं हो सकता। मेरे साथ ये घटना घट गई, मैंने बुला के अपने बैठक में कमरे में उसे प्रार्थना की, ऐसे जिक्र चलाया परमात्मा का कहानी सी शुरू करके। तो मैंने कहा मास्टर जी आप मानते हो कि भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की साड़ी बढ़ा दी थी। वो कहने लगे आप ऐसी बात करते हो बच्चों वाली, आप इंजीनियर होकर ऐसी ऐसी बात करते हो जो बेतुकी हुआ करती है, ये कभी हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। मैं कहने लगा जी एक बात बताऊं आपको, मैं अपने आप बीती बताता हूं, अगा बताओ कि आपके सामने, और मैं ये सोचूं था कि मेरी बात ने कभी नकारा नहीं करेगा क्योंकि वो बहुत अच्छी आत्माकार बहुत प्यार से रहा करते थे, और जो इतने मुलायम आत्मा उसकी जो मतलब बहुत धार्मिकता थी उसके अंदर, मैंने ये सोचा कि मेरी बात को स्वीकार करेगा क्योंकि मैं कोई बालक नहीं नादान जो वैसे बकाऊँ इसने या कोई स्वार्थ मुझे शायद इसकी बुद्धि बदल जाए, अरमान जा भगवान की कैसा होता है। तो मैंने कहा कि देखो ये सामने आप देखो जाली,